हाय फ्रेंड्स नल्ला वेलकम टू मम्मी पसिकिदु किचन नाम इनके पाक्क पोर रेसिपी कल्याणी चिकन बिरयानी एप्पडी सेय्यिरदुन्नु पाक्कलाम। अदुक्कु मुन्नाडी नम्म चैनल इप्पदा फर्स्ट टाइम पाक्करींगन्ना चैनल सब्सक्राइब पण्णुंग मरक्काम पक्कत्तुल इरुक्कर बेल ऐकान प्रेस पण्णिक्कोंग ना पोडुर वीडियोस उंगलुक्कु तोडर्ंदु किडैक्कुम। इंद वीडियोल नानु ट्रिक्स अंड टिप्स सोल्ल पोरेन वीडियोव स्किप पण्णाम पारुंग वांग वीडियोक्कुल्ल पोलाम। स्टव ऑन पड़े कड़ाई नालु टेबल स्पून अल्वकु एन्ने ऊत्तिरलाम। एन्ने कांजिदों नालु पेरी वंगायं कट पनी वच्चिरुक्करें अदु पोट्टु नल्ला वदिक्कलाम। इसलिए कुछ उप वतकेंगे वंगा सीकर वत ना गोल ब्रउन कलर वर वतकन पांग वंगा ना ब्रउन कलर वह नाल टेबल स्पून अल्वक इंजीपूस्ट पड़ला इंजीपूस्ट ना फ्रेशा अरे को ना टेस्ट वो पचवास पड़ वा ना वदिक ना पचवासम पेर को चिकने ना कल वे अटल नहीं चिकने वांग पीसा केटे वांगें प्रयाणी की परिये पीसा नल मिनट्स आ और टेबल स्पून मिगा तूल पटकल और टी स्पून मंज तूल पटकल हाफ टी स्पून गरम मसाला नालु टेबल स्पून बिरयानी मसाला पटकल इलाम ना मिक्स पड़े स्टव हई फ्लेम टू मिनट्स वी वतकन नालु पेरी तकालिये कट पनी वच्चिरुक्रें तकाली मसीर अलवुक्कु वेग विट्रुंग। इला अंजु पचमि कीरी पटकल को मिलीनाव चापी वे कुछ पटकल और कप तय ऊतिकल इरनूर ग्राम वो इला मिक्स पड़नों इे चिकन 90% वंद तय ना पचवासम पड़ वा ना वेग विड़ और फाइव मिनट कुछ उप सेकल इे उ सेतकल रईस उप सेकल उप मट पड़ें जास्ति आई ना त्री मिनट लो फ्लेम वी विटर इूड़पो लो फ्लेम और त्री मिनट वेग वि पारंगे इंदे ग्रेवी कुड़े हाफ टी स्पून लेमन जूस आड पनिकलां इप्पन इंगे कारं उप्पु एलां करेक्टा पात्तुकोंगे। बासमती राइस ओर किलो एड़ुत्तिरुक्करें अदु नल्ला हाफ एन अवर ऊर विडुंग इक्किट बासमती राइस इल्लैना नार्मल राइस कूड यूस पनिकलां नल्ला टेस्टा दा वरुम। स्टव आन पन्निट्टु ओर पात्रत्तुल 5 लिटर तण्णि ऊत्ति मूणु पट्ट और टी स्पून सोम्ब मूणु एलका मूणु ग्राम्बु इलां पोट्टु कोदिक्कि विट्टुरलां। तण्णि कोदिंजिरुच्चि इदुल उप्पु पोट्टुक्कलां कोत्तमल्लि पुदीना कोंजम् आड पण्णिक्कोंगे लेमन जूस अर टी स्पून पिळिंजि विट्टुक्कोंगे ऊर वच्चि अरिसिय पोट्टुक्कलां। चिकन इंद राइस
90% மட்டும் வேகணும் மீதி 10% தம்ல வேகணும் பாருங்க ரைஸ் 90% வெந்திருச்சு இது இப்படியே நாம என்ன பண்ணலாம்னா வடிகட்டிக்கலாம் பாருங்க நல்ல சூப்பரான கிரேவி ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ நம்ம ரைஸும் குக்க ஆயிருச்சு இது பிரியாணில மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இதல 1 டீஸ்பூன் நெய் ஊத்திட்டு அது மேல சிக்கன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணலாம் இது மேல வேக வச்ச ரைஸ் போட்டுக்கலாம் ரைஸ் வேக விடுறப்ப எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊத்தி வேக விடுங்க நல்ல தனி தனியா உதிரி மாதிரி வரும் சிக்கன் 1 kg எடுத்தீங்கன்னா ரைஸ் 3/4 kg எடுத்துக்கோங்க அண்ணா நான் 1 kg ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் இது மேல ரேஷியோல பண்ணுங்க நல்ல ஃப்ரை ஆனீனா நல்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி இலைய தூவி விட்டுறலாம் இது கூட yellow food color சேர்த்து இருக்கேன் இது பவுடரா கிடைக்கும் இது 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு தண்ணியில கலந்துக்கங்க இது மேல கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூவி விடுங்க நெய் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கங்க சாதம் வேக வைக்கறப்ப 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து வேக விடுங்க சாதம் நல்ல உதிரி உதிரியா வரும் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் हई फ्लेम वो 2 मिनट्स अब विड़ेंगे अत दम पउडर तवा एको और 5 मिनट्स ना फ्री हीट पड़ेंगे फ्री हीट आई पात्र मेल वो लो फ्लेम और 20 मिनट्स दम विटें நல்லா வெந்துறோம் நான் இந்த கிளாஸ் லிட் யூஸ் பண்றதனால சின்ன ஒரு ஹோல் இருக்கு இத வந்து இது மாதிரி பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க வெளியில ஏதோ ஏர் வராத மாதிரி தம்ல விட்டுருங்க அப்பதான் நல்லா பிரியாணி தயாராகும் நீங்க நார்மலான பாத்திரத்தை யூஸ் பண்றீங்கனா தட்டு மேல ஒரு குண்டால தண்ணி ஊத்தி வெச்சிடுங்க நல்ல தம் ஆயிரும் பாருங்க சூப்பரான டேஸ்டான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிருச்சு இதுக்கு சைடிஷா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் தயிர் பச்சடி சூப்பரான காம்பினேஷன் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்க फ्रेंड्स ரிலேட்டிவ்ஸ் கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்